टाइटल देख ले आप, लाइफ क्या है, ओके है, लाइफ ओके है, टाइटल ही महान है, तो सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आ गई हूँ. एनी मोर प्रश्न? रियलिटी शो, हाय रियलिटी शो, रियलिटी शो रियलिटी होवे तो मजा आवे करने का, और भी हकीकत बयान होनी चाहिए और हकीकत इंसान को पता होनी चाहिए. रियलिटी शो का मतलब ये होता है, और रियलिटी रियलिटी का मतलब ही रियलिटी जब हकीकत होती है तो उसको ना छुपाया जाए और हकीकत बयान की जाए हमेशा ज़िंदगी में, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो हमेशा मैं स्लोगन मेरा हमेशा रहा है और मरते दम तक रहेगा. और मैं ये सभी को ये भी कहना चाहूँगी, सच्चाई का साथ सभी को देना चाहिए. आज के युग में, कलयुग जो चल रहा है, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह गई है. यहाँ पर इतनी सारे इश्यूज़ हैं विमेंस को लेते हुए, सिर्फ बोलने के लिए हो गया है, सिर्फ बोलते हैं अपने आप को बात करने के लिए. जो विमेंस के लिए असली इश्यूज़ हैं उसमें महत्व नहीं किया जाता. 99% फॉल्स एलिगेशन एक लगाए जाते हैं मर्द के ऊपर, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन पहले हो जानी चाहिए आप FIR लॉन्च करने से पहले, मेरा ये मानना और कहना है. सच्चाई का साथ देना चाहिए, ट्रूथ मत कम आउट. सी देखिए, वेयर शी इज अ वुमन, प्रीटी जिंदा जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली सपोर्ट करें. उनके बीच में क्या है, दोनों के बीच में नेस भी, एक्चुअली आई लाइक देम बोथ टुगेदर, मुझे दोनों बहुत साथ में अच्छे लगते हैं. इट्स क्वाइट शॉकिंग ये न्यूज हमें सुननी पड़ रही है, ये नहीं होना चाहिए था. इट वुड हैव बीन हैप्पी एक दोनों कपल अगर साथ में रहते तो. आई वुड गिव माई ब्लेसिंग्स टू देम बोथ टुगेदर. ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और इसके बारे में ना कमेंट किया जाए बिकॉज हमें हकीकत मालूम नहीं है. जब CCTV पुलिस के पास नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.